दिवाली के दौरान शहर वासियों को अच्छी और ताजी मिठाई मिले इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग मिष्ठान भंडारों के औचक निरीक्षण कर रहा है। उन्हें समय समय पर सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है और अगर कोई नियमों की पालना नहीं करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई इसलिए अमल में लाई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में शहर वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त एलडी ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि उनका विभाग पिछले कई माह से मिष्ठान विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है ताकि शहर वासियों का स्वास्थ्य ठीक रहे। वह जो कीमत अदा कर रहे हैं उसकी एवज में उन्हें उचित मिष्ठान मिले। हमने डिफरेंट तरह की जितनी भी मिठाइयाँ मार्केट में अवेलेबल जनरली हो रही है और वो कौन से तेल में बन रही है, हमने तेल का सैंपल और उनके जिस दूध से बन रही है दूध का सैंपल, और जो पनीर की आइटम है तो पनीर का सैंपल, खोए से बन रही है तो खोए का सैंपल, इस तरह से जो फिर रॉ मटेरियल का हो गया, रॉ मटेरियल के बाद जो जो उनकी प्रिपेयर्ड मिठाई थी, भले वो काजू कतली हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिल्क केक, बेसन बर्फी, कलाकंद, सभी तरह की जो मिठाइयां हैं उन सब के हमने सैंपल ड्रॉ करके डिफरेंट डिफरेंट जगह से बद्दी, नालागढ़, आपके सालाघाट, दारलाघाट, पूरे और मेन शहर में सब जगह से सैंपल इकट्ठे करके एनालिसिस के लिए भेज दिए हैं और एनालिसिस की रिपोर्ट एक दो दिन में आ जाएगी। जैसे आएगी आगे की कार्रवाई करेंगे।